साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया भर के देशों में देखने को मिला, जिसके बाद रिंग ऑफ फायर का खूबसूरत नजारा आसमान में दिखाई दिया। देश के कई शहरों में सूर्य का घेरा एक चमकती चूड़ी की तरह दिखाई दिया और इस दौरान राजस्थान के घड़साना और सूरतगढ़ में सूर्य का 99% हिस्सा चंद्रमा की छाया में छिपा, तो वहीं राजधानी जयपुर में सूर्य का 88% हिस्सा छिपा हुआ नजर आया। सूर्य ग्रहण के चलते प्रदेश भर के तमाम मंदिरों में हवन भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हवन और भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण खत्म होने के पश्चात मंदिर में शुद्धिकरण हुआ और इस दौरान हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने की मंदिर के कार्यकर्ताओं से बातचीत। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण अब खत्म हो चुका है। करीब 5 घंटे 46 मिनट चलने के बाद ये सूर्य ग्रहण अब खत्म हुआ है और जिसके बाद यदि भारत देश की बात करी जाए तो भारत एक आध्यात्मिक देश माना जाता है। भारत में सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन भारत में भारत एक आध्यात्मिक देश है। हर चीज़ को यहाँ मान्यताओं से जोड़ा जाता है, जिसके चलते जो भारत में जब ग्रहण होता है तो उस टाइम जो मंदिर हैं उनमें हवन और जो अन्य तरीके हैं उनको अपनाया जाता है और जिसके बाद अभी हम खड़े हुए हैं इस समय जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में और आप देख सकते हैं कि जो ग्रहण खत्म होने के बाद जो शुद्धिकरण का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया है, वो शुरू कर दिया गया है। मंदिर में अब शुद्धिकरण किया जा रहा है क्योंकि जो ग्रहण है उसमें भगवान के ऊपर बात आने की बात कही जाती है। भारत में इस तरह से इसको माना जाता है और आप पीछे देख सकते हैं कि जो भजन संध्या कार्यक्रम है वो अभी भी चल रहा है, भजन संध्या अभी भी चल रही है। जो ग्रहण के समय कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, तो आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में गोपाल नाम संघ जो कीर्तन है वो करा जा रहा है और जो कीर्तन कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। हालांकि ग्रहण अभी खत्म हो चुका है, इससे पहले यहाँ पर हवन भी हुआ था, लोगों ने हवन भी किया था, जिसके बाद अब हमारे साथ मंदिर कार्यकर्ता हैं विजय शंकर पांडे जी, हम उनसे बात करेंगे कि ग्रहण के बाद जो ये शुद्धिकरण कार्यक्रम है, जो शुद्धिकरण किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? ग्रहण भगवान के भी लगा है, सूर्य के आज लगा हुआ है और जयपुर में जो ग्रहण था इसकी विडंबना यह थी कि 6 घंटे का भूमंडल पे था, लेकिन जयपुर शहर में 10-15 से और 1:44 तक 3 घंटे 29 मिनट का था। और हमारे जो गोविंद देव जी मंदिर में आप लोग खड़े हैं, मंदिर का ये नियम है कि एक तरफ कीर्तन होता है, एक तरफ यज्ञ चलता है। ये सब विश्व जन कल्याण जो अभी चाइना पे हुआ है सैनिकों का, इसके लिए मंदिर प्रबंधन मैन तंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में ये सब कुछ चल रहा है। अब जैसे ही ग्रहण शुद्ध हो गया है तो ये हर्बल सैनिटाइजर से सारे मंदिर की अभी सफाई और धुलाइयाँ चालू कर दी जाएगी, सभी कार्यकर्ता ये करेंगे और शाम को यथावत झांकियाँ रहेगी। बिल्कुल, ग्रहण खत्म हो चुका है और अब जो शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है, शुद्धिकरण जो किया जाता है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो ग्रहण है इसमें भारत की यदि मान्यताओं को माना जाए तो ये भगवान पर लगता है और सूर्य ग्रहण था, एक बड़ा ग्रहण था। इस ग्रहण को लेकर काफ़ी कुछ मान्यताएँ थी और जो ये वलयकार जो ग्रहण हुआ है इसमें 5 घंटे 46 मिनट करीब रहा और जयपुर में ये करीब 11:56 पर अपने चरम पर रहा था। मैं कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।